क्वेश्चन नंबर फोर, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो वन प्लस सेक को एज इट इज रखते हैं तो वन क्या हो जाएगा, वन प्लस एक टर्म करते हैं सेक को सेपरेट ले लेते हैं तो वन अपॉन सेक, सेक अपॉन सेक, तो वन अपॉन सेक यानी कॉस और ये सेक सेक कट हो गया तो वन और वन अपॉन सेक यानी कॉस, मतलब पहला वाला आंसर हमें मिल गया वन प्लस कॉस। अभी ये सब आगे नहीं होगा, मतलब इसका आगे कुछ नहीं होगा, तो हमें राइट हैंड साइड अलग से सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा और वो हमें वन प्लस कॉस शो करना। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है वन माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे एज इट इज वन माइनस कॉस, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस, और नीचे तो वन माइनस कॉस ए वो कट हो जाएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा राइट हैंड साइड आर एच एस। स्टूडेंट नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम, ये सम भी हम कितने तरीके से, चार सम इस तरीके, सॉरी इस सम को तो हम एक ही तरीके से करेंगे बट ऐसे चार सम होते हैं, जैसे यहाँ पे cos x और cot है वैसा दूसरा हो सकता है sec and tan, जैसे कि यहाँ पे cos and sin वाले को सब में सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं cos x and cot में, तो दूसरा जो सम आता है उसमें क्या होता है cos x के बदले sec and cot के बदले tan होता है, तो ये दो सम तो याद रखना दो सम, बट मेथड कॉपी टू कॉपी 100% मैचिंग मेथड। तो पहले तो हम ये सबको क्या करना है हमें, या तो लाना है हमें आंसर cos x and cot में, तो हमें इन सबको cos x cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो कि sec और tan में लाना होता, मान लो कि sec और tan में लाना होता तो हम सबको sec and tan में कन्वर्ट करते हैं, बट अभी हमारा जो सम है उसको हमें लाना है cos x and cot में, तो क्या करूंगा मैं इसको sin से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर और नीचे, तो sin से डिवाइड करेंगे तो cos upon sin क्या हो जाएगा cot, एंड साइन बाय साइन तो वन, एंड वन अपॉन साइन यानी कॉस है, बिल्कुल नीचे भी और ऊपर भी ये सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कॉस एक और कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लो सेक और टेन में आंसर लाना होता तो आप किससे डिवाइड करते हैं कॉस से, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय साइन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन, तो सबको डिवाइडेड बाय हम साइन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो कॉस बाय साइन यानी कॉट, साइन बाय साइन यानी वन, एंड वन बाय साइन यानी कॉस है, नीचे कॉपी पेस्ट सिर्फ माइनस प्लस के बदले प्लस माइनस है, ऊपर माइनस प्लस है नीचे प्लस माइनस। नाउ इन द सेकंड सम ध्यान रखना है सिर्फ हम क्या कर रहे हैं ये वाले सम में, ऊपर वाला जो वन है नीचे तो एज इट इज पहले लिख देंगे वन प्लस कॉट ए माइनस कॉस एक, ऊपर कॉट एंड कॉस एक को भी हम एज इट इज लिख देते हैं, सिर्फ वन को हम चेंज करेंगे, तो वन के बदले हम यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करेंगे कॉस एक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि मैं आंसर कॉस एक कॉट मिला, पर मान लो सेक टेन में लाना होता तो आप क्या पुट करते सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पुट करते। नाउ पहला करना है इट इज इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है माइनस बी ए प्लस बी कॉस एक माइनस कॉट कॉस एक प्लस कॉट, नीचे एज इट इज ओके। नाउ ऊपर न्यूमरेटर में दो टर्म है, पहले वाले टर्म में मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं यानी वन, और दूसरे टर्म में दो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई, तो दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलता है कॉस एक प्लस कॉट कॉमन निकलता है, तो हम कॉस एक प्लस कॉट को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा वन माइनस ये निकल गया प्लस, तो वन माइनस वाला बचेगा बट आगे माइनस है इसलिए पीछे भी प्लस हो जाएगा,
वन माइनस सेकेंड प्लस कॉट ए, वो नीचे वाले ब्रैकेट के साथ कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कोसेक प्लस कॉट ए मिल गया। यही वाले सम को अगर सेक माइ टेन में लाना होता तो बिल्कुल सेम टू सेम मेथड रहते, सिर्फ ये जो हमने कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पुट किया वहां पे आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पुट करना होता, फिर सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन कॉमन निकलता और ये पुट हो जाता, बिल्कुल सेम मेथड। ठीक है, नाउ दूसरे सम ऐसे भी आते हैं कि डायरेक्ट ये जो हमने एलएचएस लिखा है ना वहां से ही आ जाते हैं और हमें कोसेक प्लस कॉट प्रूव करना होता है, बाकी के दो सम भी ऐसे ही होते हैं। चलो यहाँ पे रूट में है तो सीधा क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे इसको, रेशनलाइज पता है ना नाइन्थ में पढ़ा है, नीचे वाले साइन के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो नीचे वन माइनस साइन है तो वन प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वन प्लस साइन से उसको डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर होगा और वन माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर रूट निकल जाएगा एंड स्क्वायर निकल जाएगा, वन प्लस साइन अपॉन कॉस दोनों का स्क्वायर निकल गया, अभी कॉस को हम दोनों को सेपरेट कर देंगे मतलब कि एलसीएम का रिवर्स है, वन के नीचे भी कॉस एंड साइन के नीचे भी कॉस, वन बाय कॉस यानी सेट एंड साइन बाय टेन कॉस यानी टेन, यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया सेक प्लस टेन। चलो नाउ नेक्स्ट सम क्या करना है, यहाँ पे टेन आंसर लाना है, तो पहले तो ऊपर से साइन कॉमन निकाल देंगे, तो साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन बाय कॉस यानी टेन तो मिल गया हमारा, मतलब हमें आंसर भी टेन ही लाना है, तो अभी जो हमारे पास है इसको हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइडेंटिटी यूज करके, जैसे ऊपर वन है तो वन की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थी, सॉरी ये जो वन है वो वन के बदले भी हम क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बट आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नीचे भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और दोनों कट हो जाएंगे, तो आंसर हो गया हमारा टेन थीटा। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम, सिंपल सम एकदम, दोनों में पहले तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी दोनों में मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा कॉस स्क्वायर स्क्वायर एंड टू कॉस इन टू सेक, नाउ ये साइन स्क्वायर एंड ये कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है वन, फिर साइन इंटू कॉसेक वन होता है तो टू इंटू वन हो जाएगा
फिर cos into sec भी 1 हो जाएगा यानी कि 2। नाउ हमें आंसर जो लाना है वो लाना है tan या cot में, और हमारे पास अभी है cosec एंड sec, तो क्या करेंगे cosec करके आइडेंटिटी 1 plus cot square और sec square यानी 1 plus tan square is equal to answer मिल गया 1 plus tan square plus cot square के जो हमारा राइट हैंड साइड है वो मिल गया हमें यहाँ पे। नेक्स्ट सम 9 क्या करना है यहाँ पे भी हम इनको cos में कन्वर्ट कर देंगे, cosec 1 by sin, sin as it is, sec 1 by cos, cos as it is, LCM ले लेंगे sin 1 minus sin, LCM ले लेंगे cos, तो 1 minus cos square, अभी 1 minus sin square is equal to cos square, नीचे sin as it is, and 1 minus cos square is equal to sin square, नीचे as it is, एक एक cos और एक एक sin, cos into sin, ये हो गया हमारा आंसर। अभी ये सब आगे नहीं होगा, मतलब हमारे लेचेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो अभी हम बात करेंगे राइट हैंड साइड, इसको भी हमें सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन यानी साइन बाय कॉस, कॉट यानी कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लेंगे साइन इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नाउ साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये मिल गया हमारा आंसर। द लास्ट सम यहाँ पे दोनों को हमें टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, दोनों टर्म को टेन स्क्वायर में, ओके सॉरी LHS नहीं लिखेंगे हम, सीधा टर्म को नंबर ही दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म नहीं है इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड नहीं रहेगा, ओके तो चलो क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस नीचे चला जाएगा एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन ऊपर चला जाएगा, साइन बाय कॉस तो यू नो दैट टेन स्क्वायर, सेकंड उसको भी हमें टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले दोनों को सेपरेटली स्क्वायर दे देते हैं, और हमें आंसर 10 में लाना है, तो नीचे ऊपर वाला 10 है इट इज, और नीचे वाले कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे वाले कॉट को 10 में, यहाँ पे 10 एलसीएम आएगा तो 10 माइनस होगा, बट उसको हमें क्या करना है 1 माइनस 10 करना है, तो चलो मैं 10 माइनस 1 लिख देता हूँ और उसका होल स्क्वायर, बट ये दोनों कट हो सकते हैं क्यों, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए, नॉर्मली क्या होता है हमारा a माइनस b को इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है, बट जब आप स्क्वायर करते हैं जैसे कि x माइनस y का स्क्वायर और y माइनस x का स्क्वायर दोनों कैसे रहते हैं इक्वल, बट अगर स्क्वायर ना हो तो नॉट इक्वल, ओके यहाँ पे हमारा आंसर आ गया टेन स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई,
मैंने आज वर्कशीट डाली आपके ग्रुप में, वो वर्कशीट में से सारे सम करके मुझे दिखाई है।